क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों से और कितना खास लग रहा है आज का? देखिए आज का दिन मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। उससे पहले कि मैं अपने फ्रेंड्स पे आऊँ, मैं अपने जिंदा भगवान जैसे कि मेरे मॉम, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे पापा जहाँ से भी वो मुझे देख रहे हो उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि भाई बेटा हुआ है, वो भी एक्टर हुआ है। तो बस, और मुझे कल रात से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। आज सुबह भी मैंने 2.5-3 घंटा लगातार फ़ोन पे बात किया था। और एक बात जो सोशल साइट पे मुझे जितने भी मेरे फैंस हैं अलग अलग कंट्रीज से, इंडिया से तो है ही, उससे ज़्यादा इंडोनेशिया से है, टर्की, बांग्लादेश, यहाँ काफ़ी मतलब वर्ल्ड में से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सपोर्ट मिल रहे हैं, उनके एडिट्स बना के भेज रहे हैं, वो वीडियोस बना के भेज रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं वो मुझ तक नहीं पहुँचते, मुझ तक पहुँचते, और मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। और जितना आप मुझे प्यार करते हैं जितना, तो मुझे ये एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है और मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ हमेशा ही और करता रहूँगा। तो अभी मैं अपने फ्रेंड्स जो भी है बाजीराव से, पेशवा बाजीराव के शो से, रुद्र सोनी जो बाजीराव का किरदार निभाते हैं बहुत ही टैलेंटेड, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर गोटिया जो रियल लाइफ में भी उतना ही जॉली है, इतना ही मस्ती करता है, तो दोनों आए आज यहाँ पे, फर्स्ट डे आए, मेरा फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो थैंक यू सो मच आप लोग घर पे आए, और आप लोग अगर मेरे बारे में कुछ तारीफ कहना चाहे तो प्लीज़ कहे भाई। वैसे तो भैया जो काम करते हैं, जो मतलब जो भी काम करते हैं वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं। अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वंस मोर करते हैं सर को, वो मतलब इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मान ही जाते, सर प्लीज़ सर मान ही जाते, ठीक है कर ले, हाँ मानना ही पड़ता है। तो भैया का काम जो है बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छी तरह से अपने रोल को निभाते हैं, तो मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है भैया में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहली बात तो भैया सबको कोऑपरेट करते हैं, सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, भले वो टीवी में हमारे साथ दुश्मनी करे या खुद को क्या बुला लेते हैं, लेकिन बहुत प्यार से रहते हैं। देखिए अभी बर्थडे का कॉल आ रहा है, बर्थडे का ही कॉल आ रहा है, उठाऊं मैं आपके सामने? उठाओ। हाँ हाँ। हेलो गौरी, सुनो आपकी आवाज़ देखो मीडिया में जा रही है, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, ठीक है? मैं लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, चलेगा? चलेगा, बोलो, चलो रेडी हम लोग। हाँ बोलो बोलो। मैंने आपके लिए एक ग्रीटिंग बनाई है। अच्छा, अभी हम जब मिलेंगे तब देना। अभी मेरे लिए एक गाना गाओगे आप? सब लोग सुन रहे हैं आपका आवाज। आपको क्या सुनना है? आपको कोई भी फेवरेट सॉन्ग? चलो हम लोग जब मिलेंगे तब सुन लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा गौरी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? ओके बाय बाय। सॉरी या देखिए, मुझे पहले से ही बर्थडे मनाने का बहुत ज़्यादा शौक रहा नहीं है, बट फिर भी इंडस्ट्री में आने के बाद सब इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, तो सभी लोग ट्रीट मांगते हैं, सभी लोग पार्टी मांगते हैं, तो उसी में पार्टी होने लगी, गिफ्ट्स मिलने लगे, और मेरे जो भी फैंस हैं उन्होंने मुझे हमेशा ही बहुत सपोर्ट किया है मेरे बर्थडे पे। तो 2-3 महीने बाकी होते हैं तभी से वो लोग शुरू हो जाते हैं, 90 डेज लेफ्ट, फिर एक कम का होते 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 आज फाइनली मेरा बर्थडे है। तो हमेशा ही मैं अपने बर्थडे को कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था, बट लेने लगा हूँ क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स इतना मिलने लगा है। मुझे पैदा किया वही बहुत बड़ी बात है। तो यही गिफ्ट है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी में आने का मौका दिया, और मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही कोई कंप्लेन है, जितना है मेरे पास और जितना नहीं है उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ मैं बस। बर्थडे है तो आज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इनके बर्थडे के दिन आप किस तरह से इनके साथ रहती हैं, किस तरह से हर बार इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? हर बार, लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन विशाल को बहुत कम पसंद आता है जो बड़ा सेलिब्रेशन करें हम और सब गिफ्ट लेके आए, वो
कम पसंद आता है विशाल को। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहता हूँ जब बर्थडे होता है। बस मैं उनको दुआ देती हूँ कि हमेशा ऐसे ही नाम आगे बढ़ते रहे उसका। नहीं मुझे पता ही नहीं रहता है, घर में जब रहता है तो बहुत नॉर्मल रहता है, वहाँ स्क्रीन पर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या पता वही कर रहा है और कोई है उसके अंदर, तो सरप्राइज हो जाती है मेरे लिए। बर्थडे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? बस विश यू मैंने हैप्पी बर्थडे और तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे।